हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यूथ कंपटीशन चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस इस समय चल रहा है, जिसमें से पहला चैप्टर शारीरिक शिक्षा के इतिहास एवं विभिन्न खेलों के संगठन देशी और विदेशी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, जो भी उसमें कहीं कहीं गलत आंसर दिया गया है उसको करेक्ट करके मैं दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेडिकेशन पूर्वक, कंसिस्टेंसी पूर्वक डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए। किसी भी कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीटी जीडी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट वर्ग 2-3 हो, ईएमआरएस हो, बिहार या स्टेट हो, या बीपीएससी हो, कोई भी हो, मेरे चैनल पर सभी प्रकार के कॉन्टेंट अवेलेबल है। थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वन लाइनर क्वेश्चंस एंड बेस्ट क्वेश्चनों का 100 से अधिक वीडियो प्रैक्टिस दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। ऐसा आपको कोई भी फ्री में नहीं दे रहा है। एंड दोस्तों, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, समय नष्ट न करते हुए, क्योंकि समय ही धन है, मनी इज लाइफ, टाइम इज मनी एंड हेल्थ इज वेल्थ। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास से आप कुछ भी असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया? यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है कि कुंजरू समिति का गठन कब हुआ, तो 1959 में। तो भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है कि शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए किया गया। तो इसकी स्थापना 1959 में भारत सरकार ने हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कुंजरू समिति की गठित किया था, जिसका कार्य सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना था। एंड दोस्तों, कुंजरू समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया 1963 में, और इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर यानी कि NFC, नेशनल फिजिकल क्रॉप्स कार्यक्रम 1965 शुरू किया, जो सारे भारत में 9 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया। जैसे कि दोस्तों, आपको 3-4 समितियां आपको याद रखना है, जैसे कि कुंजरू समिति 1959 में, एंड एडहॉक इंक्वायरी कमेटी 1958 में डॉक्टर AL श्रीमाली के प्रयास से, जिसके तहत 7 मई 1961 में NSNIS पटियाला की स्थापना हुआ, कौल कपूर समिति 1960 में। एंड ये 2-3 चीज़ें आपको पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। एंड CD देशमुख कमेटी 1963 में स्थापित किया गया, बनाया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया? भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI का गठन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो यह कर्नाटक में किया गया, और यह 1954 में कर्नाटक में किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, NSNIS का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट, NSNIS का पूरा क्या नाम है दोस्तों? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। क्या नाम है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो डॉक्टर KL श्रीमाली ने 7 मई 1961 को गठन किया था, जिसका नाम बदलकर 23 जनवरी 1973 में NSNIS कर दिया गया था। दोस्तों, 7 मई 1961 में NIS के नाम से गठन किया गया था, यानी राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स संस्थान, लेकिन NSNIS इसका नाम रखा गया 23 जनवरी 1973 में। एंड इसका मुख्य कार्य
खेलकूद प्रशिक्षक तैयार करना, कोचों को तैयार करना एंड खेल के क्षेत्र में प्रतियोगिताओं और परिसंवादों यानी सेमिनारों का आयोजन करना एवं नेहरू युवा केंद्रों की सहायता करना है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों यह परिभाषा है जेबी नैस का। सारी शिक्षा को शिक्षा का बड़ा क्षेत्र जहाँ पे आ जाए वहाँ जान लीजिएगा जेबी नैस की परिभाषा है। सारी शिक्षा की परिभाषा एंड क्षेत्र के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसका थ्योरी सेशन एक बार देख लेंगे। सभी परिभाषाओं को मैंने ट्रिक के साथ आपको याद कराया है। उस वीडियो को देखने के बाद परिभाषा से रिलेटेड कोई भी दूसरा यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। एंड शारीरिक शिक्षा में अन्य बहुत सारे परिभाषाएं हैं जिसको आप वीडियो देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा आप सबको पता है बी एन झा ने दिया है। किसने दिया है? बी एन झा ने दिया है। और सारे परिभाषाएं हैं वंशानुक्रम की, जैसे कि रूथ वेनेडिक्ट ने कहा है कि माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। उडवर्थ का कहना है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। उस इसी संबंध में पीटरसन कहते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आप सबको पता है बार बार ये क्वेश्चन आता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, यानी कि लक्ष्य उद्देश्य को जानने का विशिष्ट एवं परिशुद्ध साधन है। लक्ष्य क्या है? सीढ़ियाँ हैं जो आगे बढ़ती हैं और उद्देश्य की यथार्थता से अवगत कराती हैं। दोस्तों व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जैसे कि शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तंत्र यानी नीरो मांसपेशी का विकास, प्रतिपादनात्मक विकास, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, इस सभी प्रकार के विकास में सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ 1909 में हुआ, यानी भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों का पहला चिकित्सकीय परीक्षण बड़ौदा सिटी में 1909 ईस्वी में किया गया, जिसमें 5 से 17 वर्ष के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया। वर्तमान में स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसमें स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रहना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाता है, वह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों ये परिभाषा है जेएफ विलियम्स की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार के नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो कौन सा प्रारंभ किया दोस्तों? तो 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम BPE की शुरुआत
की। जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में किया गया मध्य प्रदेश ग्वालियर में, एंड इसमें 2 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि एमपीएड का प्रारंभ वर्ष 1963 में किया गया, एंड 1980 में शारीरिक शिक्षा में 1 वर्षीय एमफिल उपाधि प्रारंभ करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का महाविद्यालय बना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा। जैसे कि दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1950 में शारीरिक शिक्षा के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया। इस परिषद का मुख्य कार्य शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न मसलों पर भारत सरकार के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना था। इसके अतिरिक्त इस परिषद की यानी कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने वर्ष 1956 में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति तैयार की थी। इस नीति में कुल 8 अध्याय एवं 9 परिशिष्ट हैं जो शारीरिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? तो 4। जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी NCTE, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहते हैं, जो भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। यानी NCTE की स्थापना 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलुरु तथा जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है? तो ये यहाँ पे इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या निर्धारित करना है? तो दोस्तों शारीरिक विकास भी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य करना है, मानसिक विकास भी करता है, एंड सर्वांगीण विकास भी करता है। यानी कि 1, 2 एंड 3 यहाँ पे राइट है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार कहाँ से भारत में पहुंचा? तो यह विचार इंग्लैंड से भारत में पहुंचा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार इंग्लैंड से भारत पहुंचा। 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम द्वारा YMCA की स्थापना इंग्लैंड में किया गया, जिसका शारीरिक शिक्षा का विश्व भर में प्रचार प्रसार किया। भारत में शारीरिक शिक्षा की नींव एवं इसके उत्थान में YMCA का YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का अतुलनीय योगदान है। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व शारीरिक शिक्षा के अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केवल 5 संस्थान थे। भारत में शैक्षिक शिक्षा का प्रथम महाविद्यालय YMCA मद्रास द्वारा वर्ष 1920 में हेनरी क्रोबक द्वारा स्थापित किया गया मद्रास में। ऐसे बक इस महाविद्यालय के संस्थापक थे। 1932 में 2 संस्थान क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ एंड शासकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा बानीपुर पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई। एंड 1938 में बम्बई प्रांत में कांदीवली में शारीरिक शिक्षा संस्थान को प्रारंभ किया गया। एंड 1945 में शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? तो ग्लेडिएटर मुकाबला जो है रोम में होता था। कहाँ पे? रोम में होता था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वह भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खेल का शैक्षिक केंद्र है। क्या है? खेल का शैक्षिक केंद्र है। जैसे कि दोस्तों नेताजी जैसे कि साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकादमिक शैक्षिक खंड के अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं, खेलों के लिए अकादमिक खंड एंड सारी शिक्षा के लिए अकादमिक खंड। खेलों के लिए अकादमिक खंड में NSNIS पटियाला आता है जो खेलों का प्रशिक्षण देता है, एंड शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमिक खंड शैक्षिक खंड है LMCPE त्रिवेंद्रम यानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम। यह 17 अगस्त 1995 को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो ये दोनों लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम एंड NSNIS पटियाला, ये दोनों साई के शैक्षिक खंड है जो खेलों के प्रशिक्षण के लिए NSNIS पटियाला है और सारे शिक्षा के लिए त्रिवेंद्रम में LMCPE है जो 17 अगस्त 1995 से स्थापित किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में कलकत्ता में भी बंगलोर में भी पटियाला में भी है, बट कहाँ नहीं है? तो पटना में नहीं है, पटना में नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में क्या नया दृष्टिकोण शामिल है? तो दोस्तों नया दृष्टिकोण शारीरिक शिक्षा में संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, मनोचालक क्षेत्र यानी साइकोमोटर डोमेन एंड प्रभावी क्षेत्र यानी कि इफेक्टिव डोमेन, ये तीनों आपके नया दृष्टिकोण फिजिकल एजुकेशन में शामिल है। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन, मनोचालक क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन एंड भावात्मक या प्रभावी क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन शामिल है। एंड नेक्स्ट है खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना 1984 25 जनवरी को किया गया था, बट यहाँ पे 25 जनवरी 1985 84 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? इसलिए जो उसका गठन किया गया था साई का 1982 में ही किया गया था, लेकिन इसको पंजीकृत किया गया था 25 जनवरी 1984 को, इसलिए 25 जनवरी 1984 ही माना जाता है। तो इस ऑप्शन में 1982 आपका राइट होगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन वाले अध्यापक के पास क्या गुण होने चाहिए? तो फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक के पास एक अच्छा कार्यकर्ता यानी कि अच्छा बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए। यानी कि फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक में खेल भावना, दूसरों के गुण ग्रहण करना, संतुलित व्यक्तित्व, निष्पक्षता, खेल का संपूर्ण ज्ञान, अच्छे हुनर को जानने वाला निरीक्षण एवं विश्लेषण करने की योग्यता होना चाहिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो शारीरिक संस्कृति के द्वारा, क्योंकि शारीरिक संस्कृति में कई चीज़ें आपका आ जाएंगी जिसमें आपका मूलभूत जो चीज़ें डेवलप करना होता है शक्ति गति साहस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है, खेलकूद गतिविधियां में सम्मिलित है, कैंप डालना और नेतृत्व देना, ये सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली कौन सी संस्था थी
जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों वह था, देसी शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाने वाला था हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1914 में दो सगे भाइयों वैद्य बंधु अनंत कृष्ण वैद्य एवं अंबादास वैद्य ने महाराष्ट्र के अमरावती में भारत का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थापित किया, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। एंड इसमें नेजा, तलवारबाजी, लेजियम, डंबल, दंड आदि अनेक क्रियाएं कराई जाती थी। वर्ष 1924 में इस संस्था द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण शिविर लड़के लड़कियों के लिए को दिया गया, जिसमें उन्हें व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया गया। एंड इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का, कि सारी शिक्षा को भारतीय पुनर्जागरण की राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना एंड परंपरागत व्यायाम में शारीरिक शिक्षा की पश्चिमी पद्धति एवं विधियों को समावेशित करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है, तो कौन है इसमें खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था, तो यहाँ पे साई है। कौन है? SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को किया गया। एंड इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, पहली शैक्षिक शाखा जिसमें खेल संस्थानों के माध्यम से खेलों के लिए उच्च स्तर के शैक्षिक शिक्षक तैयार करना है, जिसमें आपका खेलों की प्रशिक्षण के लिए NSNIS पटियाला एंड सारी शिक्षा के लिए त्रिवेंद्रम में NNCPE के रूप में 17 अगस्त 1995 से स्थापित किया गया है। एंड दूसरी खेलकूद शाखा है, जिसका कार्य देश में खेलकूद को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है। तो दोस्तों ये सभी अर्हता हैं, बट न्यूनतम अर्हता पूछा है कि क्या है। तो भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता है NSNIS का डिप्लोमा, NSNIS का डिप्लोमा। जैसे कि ओलंपिक खेलों में भारत के द्वितीय खेल स्तर तथा निष्पादन के परिणाम स्वरूप 1958 में एक एडहॉक इंक्वायरी कमेटी यानी कि तदर्थ समिति का स्थापना किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की सिफारिश की गई। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 7 मई 1961 में पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना किया, जिसका उद्घाटन 7 मई 1961 को डॉक्टर KL AL श्रीमाली ने किया था। इसमें एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। कोचिंग में डिप्लोमा के बाद अब यह संस्थान मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स की उपाधि देना भी शुरू कर दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा खोज के लिए साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है। तो कौन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे SGFI नहीं है, एक अलग है, ठीक है। SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा सभी है, NSTC, SAC एंड SPDA सभी है, बट SGFI नहीं है। SGFI मतलब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह स्वैच्छिक संगठन है। इसकी स्थापना 1954 में की गई। इसमें 19 वर्ष से कम के लड़के लड़कियों प्रतिभाग हो सकते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 15 प्रतिभागियों का आयोजन किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह किसमें शामिल है दोस्तों। तो यह शामिल है यूनेस्को का घोषणा पत्र, यूनेस्को के घोषणा पत्र में शामिल है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। जैसे दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही संपत्ति है, धन है।
स्वास्थ्य का स्थान मानव जीवन में सर्वोत्तम है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल में सुनहरा युग महसूस किया। तो आप इसका आंसर दे दिए होंगे दोस्तों, इसका आंसर है ग्रीस यानी यूनान, यानी एथेंस। यूनान के एथेंस में नागरिकों को ज़्यादा लोकतांत्रिक अधिकार मिले थे, सेना के लोग भी खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, परंतु वे नैतिक, सामाजिक, भौतिक व सौंदर्य विकास पर अधिक ध्यान देते थे। यूनान में खेल सबसे अधिक विकसित हुआ, इन्हीं कारणों से इस खेल को स्वर्ण युग कहा जाता है। एंड इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया। तो दोस्तों क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य में शारीरिक दक्षता, सामाजिक क्षमता, सांस्कृतिक विकास को प्रस्तावित किया है, बट तंत्रिका पेशी तालमेल को प्रस्तावित नहीं किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की थी। तो दोस्तों वह था नेशनल फिटनेस कॉर्प्स यानी कि NFC, जिस जो सन 1965 में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को एक दूसरे में विलय करके नए नेशनल फिटनेस कॉर्प्स नाम से नई योजना को प्रारंभ किया गया था। NFC ने यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा शुरुआत करने की पहल की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का अर्थ, तो मानव जाति का समग्र विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, अर्थ है। यानी कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की प्रक्रिया, जिसमें शारीरिक क्रियाओं द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक शक्तियों एवं शारीरिक कौशलों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में वैज्ञानिक आधारों में विकसित किया जाता है, वह शारीरिक शिक्षा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय संस्थान की बात करें तो प्रथम है LNCPE ग्वालियर मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में किया गया, ठीक है। तो प्रथम शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। एंड वैसे कहे तो सबसे पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है YMCA, लेकिन राष्ट्रीय कहेगा क्योंकि YMCA विदेशी से है, क्योंकि उसको अमेरिका से SC Buck ने आकर के यहाँ पे स्थापित किया था 1920 में YMCA को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो दोस्तों सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है बहुमुखी व्यक्तित्व विकास करना, जो कि उसके जीवन के लिए आवश्यक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो कथन है, अभी स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चन है। अभी कथन ए है कि शारीरिक शिक्षा एक संबद्ध विज्ञान है जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति से संबंध है। एंड इसका तर्क आर है, ये आपका राइट है, तर्क आर है कि शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, जैव भौतिकी विज्ञान, जैव यांत्रिकी इत्यादि शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की
दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन समाप्त होता है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों जो भी डाउट होगा, आपको शंका होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर आपका लक्ष्य मिलेगा दोस्तों। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय।